हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में कौन से टॉपिक पे बात करने वाले। इस टॉपिक पे क्या है, मेरे पास में भर भर के कमेंट आए थे, मैंने सोचा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। तो गाइस, इसलिए क्या है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। जो जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे उनको क्या है, मैं वीडियो के थ्रू अच्छे से रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनानी चाहिए सेपरेट, ताकि आपके सवालों का जवाब आपको मिल पाए। आपने अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में सेक्स किया था एंड अब आपकी शादी किसी और से हो रही है और आपकी शादी होने वाली है, तो क्या आपके पति को, आपके हस्बैंड को पता चल जाएगा आप पहले सेक्स कर चुके हो और आप वर्जिन नहीं हो, क्या आपके हस्बैंड को पता चल जाएगा? तो ये काफी सारे सवाल आए थे मेरे पास में, तो मैंने सोचा इनका जवाब देना चाहिए। तो गाइस, इसका आंसर है नहीं, आपके हस्बैंड को पता नहीं चलने वाला है कि आपने पहले सेक्स किया था, आप वर्जिन नहीं हो, ऐसा कुछ पता नहीं चलने वाला, पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप बताना चाहते हैं तो पता चल सकता है, अगर आप बताओगे तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो, आपके मन में ये सवाल है, हमारे फ्यूचर हस्बैंड को ये पता चल जाएगा कि हम पहले सेक्स कर चुके थे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पता नहीं चलता है। क्यों? वर्जिनिटी चेक कैसे होती है? वेजाइना के अंदर एक पतली सी परत होती है जिसको हम हाइमन भी कहते हैं। इंटरकोर्स के दौरान क्या है, वो परत टूटती है एंड ब्लीडिंग होती है। ओके, ये हो गया कि ब्लीडिंग होती है, ये से हम वर्जिनिटी को देखते हैं। क्या सभी के साथ में ऐसा होता है कि पहली बार अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो ब्लीडिंग होती है, होनी चाहिए? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक पतली सी परत होती है, वो कभी भी टूट सकती है। ये नहीं कि आप पहली बार सेक्स करोगे जब ही टूटेगी, ऐसा नहीं है, वो कभी भी टूट सकती है। आप कोई भी काम करते हो, कुछ एक्टिविटी से टूट सकती है। तो इसलिए अगर इस वजह से कोई आपको जज करता है कि आप वर्जिन हो या नहीं हो, तो वो इंसान फिर गलत है। कोई आदमी अगर ऐसे जज कर रहा है कि अगर आपकी ब्लीडिंग होगी तो आप वर्जिन हो, अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आप वर्जिन नहीं हो, यानी पहले आप सेक्स कर चुके हो, तो ये चीज गलत है, फिर वो इंसान ही ठीक नहीं है। जो आपको ऐसे जज करेगा, इस तरीके से देखेगा, तो उसके साथ में आगे आने वाला फ्यूचर कैसे होगा? लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट है, आपकी वर्जिनिटी कोई ऐसे देख सकता है कि ब्लीडिंग हो जाएगी, उस तरीके से देख सकता है, किसी को पता चल जाएगा कि आप पहले कुछ कर चुके थे, तो ये गलत है, ऐसे कुछ नहीं पता चलना। हाँ, अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, तब पता चल जाएगा, बट ऐसे कुछ नहीं पता चलने वाला, क्योंकि पतली सी परत होती है, वो कभी भी टूट सकती है। कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करने से टूट जाती है। अगर आप पोछा ही लगा रहे हो, अगर आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, रस्सा कूद रहे हो, यानी अगर आप साइकिल कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, कैसे भी, वो टूट जाती है। और हम क्या समझते हैं कि हमें ब्लीडिंग हो गई, किसी किसी को पता भी नहीं चलता है, हमें क्या लगता होगा कि हमें ब्लीडिंग हो गई, पीरियड आ गया, ऐसे ही कुछ समझते हैं। ये कभी भी हो जाता है, तो इसके लिए ये नहीं, अगर आप पहली बार सेक्स करो तभी ब्लीडिंग होगी और आपकी वो परत टूटेगी, ऐसा नहीं है, वो कभी भी टूट सकती। तो उसके आधार पर ये जज करना कि आप वर्जिन हो क्या नहीं हो, वो गलत है। ओके, तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि हम पहले कभी ऐसे कर चुके हैं और हमारे हस्बैंड को, हमारे फ्यूचर हस्बैंड को पता चलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जिनको ये डाउट है कि पता चल जाएगा, वो थोड़ी इस वजह से डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पता नहीं चलेगा। लेकिन जो हुआ सो हुआ, उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए एंड अपनी आगे आने वाली लाइफ को अपने हस्बैंड के साथ में बड़े प्यार से रहिए और ईमानदार रहिए। ओके, ईमानदारी हर रिश्ते में होनी चाहिए। वीडियो में ये नहीं कहना चाह रही कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, किसी के साथ में ऐसा कर लो और फिर, ये तो धोखा देना हुआ ना। अगर आप शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, किसी के साथ में ऐसा करते हो, तो वो गलत है। आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। तो किसी के साथ में भी शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। और जिन जिन के मन में ये डाउट था कि अगर ऐसा हो चुका है, बाय चांस ऐसा हो चुका है, गलती हो चुकी है, बट अगर आप ये सोच रहे हो, आपके मन में ये कंफ्यूजन है, आप थोड़ा मतलब किससे पूछ भी नहीं सकते, जिनके मन में ये क्वेश्चन है, तो उनके लिए मैं आंसर देना चाहूंगी, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और जो आपको इस तरीके से देख रहा है, आपके अगर ब्लीडिंग होगी तो आप वर्जिन हो, नहीं तो आप पहले कुछ कर चुके हो, आप वर्जिन नहीं हो, तो वो गलत है, वो बंदा ही गलत है, आपका फ्यूचर ही फिर उसके साथ में गलत होगा। ओके, तो टीनेज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, और उनका मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, आपको शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। दिक्कत हो सकती है, आपके पेरेंट्स को दिक्कत होगी, आपको दिक्कत होगी, ओके, काफी सारी प्रॉब्लम झेलने पड़ सकती है, तो इसलिए फिजिकल रिलेशनशिप शादी से पहले नहीं रखनी चाहिए। एंड जिनके मन में ये सब डाउट थे कि पता चलता है कि नहीं चलता, जो थोड़ा उनके मन में कंफ्यूजन थी कि ऐसे पता चलता है कि नहीं चलता,
वो कन्फ्यूजन दूर हुई होगी, ऐसा पता नहीं चलता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट पे ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कर दे रहे हैं एक लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन ढेर सारा कुछ अलग और नया करना। क्या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन घंटी आएगी उसे जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।